बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। पूरा फुली लकड़ी बांस का जो डिजाइन करके बनाया गया है आप लोग देख सकते हैं, और अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ये पूरा व्यू पॉइंट है और देख ही सकते हैं क्या सीन है यहाँ का। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये कहा जाए तो हमारे नेचर कैंप का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। ये गाइस शायद ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यहाँ बिजली स्टोर किया जाता है, ऊपर सौर पैनल भी लगी हुई है नेचुरल, तो बिजली यहाँ पास लगाया गया है, सौर ऊर्जा की व्यवस्था है, और शायद यहाँ लाइट भी लगी होगी, अभी तो नहीं दिख रहा है। जो मेन कनेक्शन खंभा वाला यहीं से गया है, सौर ऊर्जा भी लगा है, तो शायद तक यहीं से बिजली का सप्लाई पूरा होता है। ये पूरा ऐसे लग रहा है छटिंग कर दी है का पेड़ पौधे का बहुत सारा। नहीं यार धूप में पानी वानी डला नहीं रहा है। अरे क्या वो बीच में रहा करा ना डोंगरी हिलते कुछ काटी नहीं पूरा, बहुत घना रिस है। दूसरा पौधा लगा ही कौन है काटती। कैंटीन टाइप बोर्ड, यहाँ खाने के लिए क्या क्या रखे है? पानी बाटल है हाँ। अब पानी यार कहाँ से मिलेगा, अब पानी कहाँ से मिली भाई, अब पानी कहाँ से मिली यार? नल नल टंकी कौन है पीछे साइड है, पीछे साइड है, पीछे साइड है, बाटल में भर लेगा, वहाँ जाएंगे तो नहीं मिलेगा पानी हम लोग। तो कुछ ऐसा सीन है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला कैंप है, और यहाँ वो जो कपड़े का वो लगा है जो कैंपिंग के लिए बनाया गया है, पहले ऐसे ही बना था, मतलब ये दीवार वगैरह कुछ नहीं बना था, और अब इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, इसको मतलब दीवार वगैरह ईंटे ईंटे की दीवार से उठा के बना दिया गया है, और यहाँ से व्यू पॉइंट है, जो ये पूरा व्यू पॉइंट है, और देख ही सकते हैं क्या सीन है यहाँ का। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों, हम लोग उधर ही जा रहे हैं कैंप की ओर है। कितना कैंप बन गया है, 5-6 ठो है। बहुत सारे जो रूम बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ शायद कर्मचारी के लिए बन रहा होगा रूम वगैरह, और ये है जो इन सबको दोस्तों फ्लोटिंग कैंटीन बनाने के लिए यूज किया जाता है डैम में, तो आप लोग देख सकते हैं उसी के पूरा सामान है। और ये जो हमारे गंगनई डैम में फ्लोटिंग बोट बनाया जाएगा, फ्लोटिंग कैंटीन, वहाँ आपको खाने का सुविधा भी उपलब्ध रहेगा दोस्तों, आप वहाँ से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ ऐसा है, हाँ यहाँ स्टेज है, यहाँ देख आप लोग देख सकते हैं ये स्टेज बनाया गया है गाइस, यहाँ मतलब प्रोग्राम आप करा सकते हैं, शादी पार्टी के लिए भी शादी का प्लान बनाया जा रहा है कि नेचुरल फीलिंग हो, और यहाँ भर भर के पैसा पैसा पे करें। और अभी हम लोग हैं जो यहाँ रेस्ट करने के लिए बनाया गया है, कि बहुत ही अच्छा दोनों तरफ कूलर लगा है गाइस,
यहाँ देखिए चिड़िया, तो यहाँ रेस्ट करने के लिए बनाया गया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे पीछे एक कूलर लगा हुआ है और एक कूलर वहाँ लगा हुआ है, जो कि मार्को जी अपना गर्मी भगाने के लिए हवा ले रहे हैं। और मैं अभी बैठा हूँ यहाँ, चाहे यहाँ आप अपने फैमिली के साथ यहाँ बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं बैठ के, इसी के लिए बनाया गया है यहाँ। और पूरा लकड़ी का बनाया गया है शायद, आप लोग देख सकते हैं ऊपर पूरा लकड़ी का ही दिखाई दे रहा है। चेयर्स हैं दोस्तों, पूरा फुली लकड़ी बांस का जो डिजाइन करके बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं एकदम नेचुरल फीलिंग वाला। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं पूरा लकड़ी का है, वुडन का है, और ऊपर में मतलब एक कांच का वो लगा दिया गया है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, बड़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था अच्छे से, तो ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं दोस्तों और आपको लिए दिखलाने के लिए। तो भर भर के लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और बस क्या बोलूँ, एंजॉय कीजिए। और आपको इसी तरह के नए नए जगह को हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे और करेंगे। अभी और नया नया ब्लॉग आने वाला है और नया नया ट्रिप करने वाले हैं, तो चलिए। तो भाई सभी रेस्ट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं इधर, ये जो रास्ता है वो वहाँ जाने का, डैम जाने का है, तो अभी उधर ही हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अरे गर्मी में इतना ज़्यादा पूरा हालत ख़राब हो चुका है गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं कैसा दिख रहा है फेस वगैरह। और ये है वहाँ जाने का रास्ता है, और यहाँ एक नाव बोट रखी हुई है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है बोट, और अभी तो पानी वानी डैम में कम है शायद, इसीलिए उसको यहाँ ला के रख दिया गया है। तो ऐसा सीन है, ये पूरा वहाँ डैम जाने का रास्ता है, और पूरा नेचुरल आप लोग देख सकते हैं गाइस दोनों तरफ, तो चलिए पूरा जंगल से भरा हुआ एरिया है, सीन है। और ये है वहाँ जाने का रास्ता, कल बना ले रहा करे कोठे वो वाली बनाओ का यार, जिस मोर आधा छोट बड़ुआ या ही वीडियो इंट्रो, मतलब उधर के भी दिखेगा अपना भी दिखेगा है। हाँ बना सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा और दूर जाना है, और इधर मैं अभी वहाँ पहली बार जा रहा हूँ मैं, जबकि दो ढाई साल पहले मैं आया था तो बना ही नहीं था वो वाला ब्रिज जो पानी की उधर जाते हैं वो वाला। और अभी हम लोग जाने वाले हैं वहीं, और कुछ लोग वहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, अब नहा भी रहे हैं लग रहा है। अब चलिए वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ अच्छे से। शायद ये बोट वगैरह बन रहा है, नाव, इतना बड़ा नाव है यार, गजब। सीढ़ी वगैरह भी लगा हुआ है शायद यार, ना पक्का लग रहा है गाइस, आप लोग कमेंट करके बताने क्या चीज बन रहा है। और यहाँ सही में सीढ़ी वगैरह बना हुआ है, जिस हिसाब से आप देख सकते हैं सीढ़ी कहाँ पास है यार, उनको दिखाइए। ये जस्ट ये सीढ़ी है, और ये पूरा उधर बना हुआ है, निपट जाए जाए कचर देवता, जहाँ तक वो तो वहाँ से उखड़ गया है, बोर्ड ही लग रहा है ना, उसमें फिट करेंगे डिब्बा टाइप में। कौन सा डिब्बा? नीचे हाँ। गाइस कुछ ऐसा सीन है, अच्छे से वो नहीं किए हैं यार, इसको केवल वेल्डिंग नहीं किए। वेलकम टू नेचर कैंप गंगनई डैम।
पानी का स्तर, उस पानी का जो लेवल है उतना ज़्यादा नीचे नहीं गया है लग रहा है, बहुत गया है, लेकिन अब पानी फिर भी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। तो आप लोग गाइस देख ही सकते हैं कुछ ऐसा सीन है, वहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, सेल्फी मतलब फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। फोटो लेना ना, यहाँ फला नहीं है, हो गया घूम लिए, घर जाओ यार, नहा लो यार। चलो आप जल्दी आओ। तो ये है गाइस नेचर कैंप जो डैम का है, मेन व्यू यहीं से दिखता है, जो ब्रिज वाला रास्ता है ये 180 डिग्री बहुत अच्छा है। कितना गड्ढा है नीचे, नीचे कितना गड्ढा है, खड़े खड़े है उतने गड्ढा है। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू है, अच्छा दिख रहा है ना, एक आठ फोटो ले लेना मस्त। तो गाइस यह नेचर कैंप का जो सबसे कहा जाता है खूबसूरत पॉइंट है, बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, शाम का समय है, क्या सीन है जी, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। नजारे रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये कहा जाए तो हमारे नेचर कैंप का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है गाइस। आप लोग देख सकते हैं कितना गजब का व्यू आता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, कहा जाए तो मैं 2.5 साल बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का है। और ये जब मैं आया था तो ये सब नहीं बना था गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और मज़ा आ गया मेरे को। तो गाइस सब लोग हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी शाम हो चुका है लगभग, हम लोग तो 2:30 बजे से आए हैं और यहाँ पूरा घूमते घूमते अभी शाम हो चुका है, 5 से ऊपर हो चुका है। तो आपको कैसा लगा ब्लॉग आप कमेंट करके बताइए, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस, और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय टेक केयर। कैसा लगा, अच्छा लगा मजा, अच्छा कर लेते हो गाइस, आप यहां तेंदुपत्ता तोड़ सकते हैं, ये देखिए गाइस यहां तेंदुपत्ता मस्त अभी निकला हुआ है देख सकते हैं। और ये है हम लोग का छत्तीसगढ़ का हरा सोना, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा,
और ये रास्ता डायरेक्ट बनाया गया है डैम जाने के लिए, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और वो अंदर वाला पूरा है, उधर है अंदर पूरा नेचर कैंप, उधर कैंप वैंप लगी है, उधर घूमने के लिए है। पूरा वहाँ तक बना है क्या? उधर पंखा में हवा खा लेगा।